I'm sure आप सुन रहे होंगे. अस्सलामुअलैकुम अहलन वसहलन मरहबा जी आयनो बख़ैर रागले एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. वेल जनाब, दिस इज मी नन अदर देन चर्बी एंड क्रिस्पी लाइव एंड लाउड हरियाणा और आयशा मलिक आपके साथ. आपका हमारा साथ रहता है एवरी मंडे टू सैटरडे सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक. एंड द शो इज कॉल्ड टॉक ऑफ द टाउन. सो टुडे इज वेंसडे और आज 7 तारीख हो चुकी है जून की. उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे, सब कुछ बहुत बेहतरीन चल रहा होगा और आज के दिन के हवाले से जो भी प्लान्स हैं वो सब उम्मीद है कि आप अच्छे से पूरे कर सकें और कोई भी प्लान आपका अधूरा ना रहे. और अगर आज के दिन के हवाले से कोई खास टास्क मिला हुआ है आपको तो उसके लिए बहुत 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 सारी बेस्ट विशेज. सो पार्टली सनी वेदर और कल बहुत ही कोई धुआंधार किस्म की बारिश हुई है और उसकी वजह से कल का दिन तो बहुत प्लेजेंटली गुजर गया, बट आज जो है वो बारिश का इम्कान नहीं है. लेकिन लाहौर में फिर भी मौसम जरा बेहतर है. सो उम्मीद है कि आपका दिल का मौसम भी अच्छा होगा, साजगार होगा. अगर साजगार नहीं है तो कोशिश करेंगे कि उसको बेहतर किया जाए. और आप के मूड को बेहतर करने के लिए मेरे पास कुछ जबरदस्त म्यूजिक है. म्यूजिक के साथ साथ कुछ गपशप भी है. डेफिनेटली थ्रू आउट द शो सब कुछ चलता रहेगा. और अभी के लिए तो ब्रेक है. ब्रेक के बाद कुछ म्यूजिकल ब्रेक, देन आज के प्रोग्राम का लाइनअप करूंगी शेयर आपके साथ. सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. बिल्कुल, जिंदगी में कभी कुछ भी हो सकता है. आप कहाँ, मैं कहाँ. और एक बात है, लेकिन वो बात हो सकता है कि आप इस टाइम समझ सकें या ना समझ सकें. कभी कभी दूरियां बहुत सारी बातें समझा देती हैं और कभी कभी नजदीकियां जो हैं वो आप जितना मर्जी समझने की कोशिश कर लें उस इंसान को, उस सिचुएशन को, लेकिन वो बात शायद नहीं समझ में आती. सो कभी कभी दूरियां बनाना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है ताकि आप की वक्त का पता चल सके या आप का जो रिश्ता है वो किस लेवल का है उसका पता चल सके. सो अगर आपसे कोई आपका बहुत प्यारा दूर है लेकिन दिल से दूर नहीं है तो मेरा ख्याल है कि ये जो दूरी है ये मैटर नहीं करती. दिल की दूरी बहुत मैटर करती है. और दिल की दूरी जब भी आपको फील हो कि शायद दिल की दूरी बन रही है या दिल में कुछ मलाल है, कोई शिकवा शिकायत है, तो कोशिश करनी चाहिए कि उसको दूर कर दिया जाए. क्योंकि जिंदगी का कोई पता नहीं है, आज आप यहाँ हैं कल नहीं है. बहुत सारे लोग कोविड में स्पेशली इस चीज की वजह से बहुत ज्यादा अपसेट हुए. कुछ लोग तो मेरा ख्याल है कि इस चीज को प्रैक्टिस भी कर रहे हैं अभी तक कि वो अगर बहुत ज्यादा अग्रेसिव थे तो उन्होंने अपनी अग्रेसिव नेचर को कंट्रोल में किया. अगर वो पहले बहुत ज्यादा केयरिंग नहीं थे, अब वो बहुत हद तक केयरिंग है. सिर्फ इसलिए कि कोविड के टाइम पे लाइफ के बारे में जो हमें पता चला है कि जिंदगी यार एक हल्की सी भूख की मार है, दैट्स इट. और आज मतलब आप सांस अगर ले रहे हैं तो यू रियली डोंट नो कि कल आप सांस लेंगे या अगला लम्हा आप सांस लेंगे या नहीं. लिहाजा आप बहुत सारे हो सकता है कि ऐसे लोग सुन रहे हों जो लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस को फेस कर रहे हों और उन चैलेंजेस को फेस करते हुए कभी कभी हिम्मत जो है वो आपको लगता है कि खत्म हो चुकी है. हिम्मत खत्म होने के साथ साथ आपका जो एक मोटिवेशन का लेवल है वो भी डाउन है, एनर्जी भी डाउन है. सो उस वक्त अपने आप को मोटिवेट करना, उस वक्त अपने आप को उठाना, उस वक्त अपने आप को एक्नॉलेज करवाना कि नहीं, इट्स ओके. लाइफ में अगर कुछ चीजें बेहतर नहीं है तो ये वक्त हमेशा के लिए नहीं है, ये वक्त गुजर जाएगा. और इस वक्त के गुजरने के बाद जो वक्त आएगा वो आपको इस सब की भरपाई कर देगा, ट्रस्ट मी. ये तब आपको अंदाजा होगा जब आप उस वक्त को प्रैक्टिस करेंगे, उस वक्त को एक्सपीरियंस करेंगे. अभी आपको लगेगा कि आयशा जस्ट भाषण दे रही है और कुछ नहीं. सो आप प्रैक्टिकल अगर अप्रोच रखते हैं तो फिर आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि मैंने क्या बात की है और क्यों बात की है. फिलहाल हमारे पास कुछ जबरदस्त म्यूजिक, इसके बाद करते हैं आपको ज्वाइन.
All right, welcome back once again. Well, बहुत सारे वो लोग जो बहुत ज्यादा शॉपिंग करना पसंद करते हैं और स्पेशली अब तो ईद भी करीब करीब है और उम्मीद है कि आपकी ईद की तैयारियां होंगी. वैसे तो इस ईद पर ज्यादा जो तैयारी होती है वो कुर्बानी के जानवर की ही होती है, लेकिन कुछ लोग फिर भी इस ईद को भरपूर तरीके से सेलिब्रेट करते हैं और भरपूर तैयारी होती है, होनी भी चाहिए. जाहिर सी बात है, अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए दोनों जो ईदें हैं, बल्कि तीनों ईदें, ईद मिलादुन्नबी डेफिनेटली, सो ये हमारे लिए तोहफा ही है और इसको भरपूर तरीके से हमें सेलिब्रेट करना चाहिए. और जिस तरह से मुमकिन हो सके हम अगर अपने आसपास अपनी सराउंडिंग के लोगों को भी इन मौके पर याद रखें, वो मेरा ख्याल है कि हमारी खुशी को दोबाला करने के लिए बहुत अहम रोल प्ले कर सकता है. खैर जनाब, आप सोच रहे होंगे कि मैंने ईद की तैयारियों की बात की है और शॉपिंग की बात की है. खैर, कुर्बानी के जानवर की खरीदारी के लिए तो आप 24 घंटे जा सकते हैं मंडी, बट वो लोग जिनको मॉल्स या मार्केट्स जाने का बहुत ज्यादा होता है कि चलो यार कुछ और नहीं है तो यही सही, हम शॉपिंग पे चले जाते हैं. सो द थिंग इज, अब पाकिस्तान में पहले तो 10 बजे तक का टाइम था, ये अभी कुछ महीनों से ये चीज प्रैक्टिस हो रही है और ईद के दिनों में थोड़ा उसको एक्सटेंड किया गया था, लेकिन अब जो है वो ये कहा जा रहा है फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, बल्कि ये डिसाइड हुआ है कि जितने भी मॉल्स मार्केट्स हैं उनको 8 बजे तक बंद कर दिया जाएगा और बेसिकली ये एनर्जी सेव करने का एक अलग प्लान है, राइट. और उम्मीद है कि जो भी इस हवाले से हिकमत अमली अपनाने की कोशिश की जा रही है सो उस पे कायम रहा जाए और वो लोग जो आज कल परसों तरसों मतलब आने वाले दिनों में शॉपिंग के मूड में हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि मार्केट्स जो हैं वो 8 बजे बंद हो जाएंगी, बाजार 8 बजे बंद हो जाएंगे. सो अगर आप शॉपिंग के मूड में हैं तो बेहतर है कि सारी चीजें आपको पता हो, प्लान आपके हाथ में हो कि अगर आपने मार्केट जाना है तो किस टाइम पे आप जाएंगे तो ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा, बेहतर होगा. बहरहाल बहुत सारे लोग अपनी टेंशन या एंजाइटी डिप्रेशन को दूर करने के लिए भी शॉपिंग करते हैं. पैसे का ज़ाया तो होता है लेकिन कुछ लोगों के लिए ये थेरेपी काम कर जाती है. एक्चुअली मेरे लिए ये थेरेपी काम नहीं करती. मैं अगर अपनी पर्सनल बात बताऊं तो मेरे लिए बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना जो है वो बहुत ज्यादा वर्क करता है. और वैसे माहरीन भी ये कहते हैं कि अगर आप परेशानी या डिप्रेशन या एंजाइटी में होते हैं तो आप अगर बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो काफी आपको बेहतर फील होता है. ये चीज आप प्रैक्टिस करके देख सकते हैं. सो बाय द वे, अभी मेरे पास एक और ट्रैक है, इसके बाद हमारे पास कमर्शियल ब्रेक, देन आपको करते हैं ज्वाइन. वेलकम बैक वंस अगेन. वेल, इंसदाद स्मोग प्रोग्राम के तहत लाहौर में कचरा, टायर और प्लास्टिक जलाने पर पाबंदी आयद कर दी गई है और लाहौर के इंतजामिया ने शहर में इस हवाले से मेक श्योर किया है कि जो भी इस रूल की वॉयलेशन करेगा सो दफा 144 नाफिज बेसिकली इस हवाले से कर दी है. और अगर आप को नहीं पता था तो चलें अब आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मैं आपको बता रही हूं कि अगर इस तरह की कोई एक्टिविटी दिखाई गई तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा. सो 144 दफा के नफाज का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है जिसके मुताबिक फसलों की बाकियात जलाने पर मुकम्मल पाबंदी आयद होगी और खिलाफ वर्जी पर मुकदमा दर्ज होंगे. और नोटिफिकेशन के मुताबिक कचरे, टायर, प्लास्टिक चमड़ा और पॉलिथिन बैग जलाने पर भी मुकम्मल पाबंदी होगी. सो इसके अलावा धुआं छोड़ने वाली जो गाड़ियां हैं, आलूदगी का बायस बनने वाली फैक्ट्रियों पर कड़ी नजर रखी जाएगी, जबकि जिगजैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल ना करने वाले भट्टा मालिकान के खिलाफ भी कार्रवाइयां की जाएंगी, ताकि आने वाला जो वक्त है स्पेशली स्मोक के जो दिन होते हैं उनमें
आवाम जरा सुकून का सांस ले सके. सो चूंकि आपको पता है परसों हमने एयर पोल्यूशन के हवाले से बड़ी डिटेल में बात की और एक रिपोर्ट भी आपके साथ मैंने शेयर की. चूंकि एनवायरमेंट हमारा क्लीन नहीं है और स्पेशली एयर पोल्यूशन की वजह से भी एनवायरमेंट हमारा बहुत बुरी तरह से इफेक्ट हो रहा है. सो इस हवाले से अब यू नो हो सकता है कि आने वाले दिनों में और मजीद इस तरह की हमें खबरें पता चलती रहें ताकि हमारा एनवायरमेंट क्लीन हो और दूसरा ये कि लोग भी इस बारे में अवेयर रहें कि उनको इस तरह की कोई भी एक्टिविटी नहीं करनी. अगर कोई इस तरह की हरकत करता हुआ दिखाई दिया तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा और मे बी हैवी पेनल्टी भी उसको पे करनी पड़ सकती है. ऑलराइट, सो इसके साथ साथ कुछ टैक्स के हवाले से भी मैं बात करूंगी कि चूंकि जून का महीना है और जून के महीने में टैक्स के हवाले से भी खबरें जरा गर्दिश में होती हैं. सो अगर आप इस बारे में जानना चाहते हैं कि मैं क्या बात करने वाली हूं तो आपको रहना पड़ेगा मेरे साथ. फिलहाल एक और ट्रैक, बल्कि इस गाने के बाद हम प्रोग्राम के सेकंड हाफ में करेंगे आपको ज्वाइन. सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. मुझे कहते हैं आयशा मलिक. बेपरवाह, वेलकम बैक वंस अगेन. वेल, एक बार फिर से खुश आमदीद. हो सकता है अभी अभी आपने ट्यून इन किया हो 107.4. थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी. सो आज चूंकि मैंने बात की थी कि मौसम जो है वो पार्टली सनी है और कहीं कहीं हो सकता है बहुत कड़क धूप हो, कहीं कहीं हो सकता है कि धूप का नामो निशान ना हो. लेकिन ये है कि कल परसों शायद बारिश दोबारा से हो और आप मे बी ऐसे इलाके में होंगे जहां पर बारिश अभी भी हो रही हो. सो हो सकता है कि मौसम अच्छा हो, प्लेजेंट हो, मूड भी अच्छा हो और आप ये भी चाह रहे हो कि अच्छा मौसम है तो अच्छे मौसम में कुछ यू नो अच्छी सी एक्टिविटी हो जानी चाहिए खाने पीने के हवाले से. तो उसमें आप अपने फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर्स के साथ कुछ ना कुछ मेक श्योर कर सकते हैं. सो बाय द वे, आज इस्लामाबाद में मौसम कैसा रहने वाला है ये आपको बताती चलूं. इस्लामाबाद में इस वक्त 31 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 36, मिनिमम 24 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 41%. और लाहौर में 31 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 39, मिनिमम 27 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 47%. सियालकोट में 20 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 38, मिनिमम 20 डिग्री एंड ह्यूमिडिटी लेवल 90%. दैट मीन के आज इस्लामाबाद और लाहौर में तो खैर बारिश नहीं है, मे भी बारिश हो जाए क्योंकि वेदर बहुत अनप्रडिक्टेबल है लाहौर का. और जून का महीना है, जून के महीने में भी ऐसी मजेदार बारिश हो रही है जिसके बाद मतलब आप कहते हैं कि यार मौसम अच्छा हो चुका है, प्लेजेंट है और अभी तक वो जो जून की गर्मी का एहसास है वो नहीं हो रहा. सो दैट्स द गुड पार्ट कि आप इस मौसम में, इस वक्त में, इस मंथ में ये कह रहे हैं. खैर सियालकोट में काफी प्लेजेंट वेदर है और सियालकोट में बारिश भी हो रही है. मे बी आप बारिश में इस वक्त ट्रैवल कर रहे हो, रोड पे हो, तो कोशिश करूंगी कि ऐसा म्यूजिक आपके लिए प्ले किया जाए जिससे आप को अच्छी और एक प्लेजेंट वाइब आ सके. सो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अच्छा फील कर सकें. खैर हो सकता है कि ऐसी सिचुएशन में आप हों कि आप प्लेजेंट फील ना कर रहे हो, तो जरूरी है कि आप प्लेजेंट फील करें और साथ ही साथ यू नो प्लेजेंट फील भी करवाएं. खैर जनाब, सिंधी जुबान अब पाकिस्तान में नहीं बोली जाती, ये नसीरुद्दीन शाह का दावा है. अब आई डोंट नो ऐसा उन्होंने क्यों कहा. सिंधी जुबान सिंध में बोली जाती है और मेरा ख्याल है पाकिस्तान में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अभी तक अपनी जुबान को जिंदा रखे हुए हैं और ऑफकोर्स पाकिस्तान में तरह तरह की जुबानें बोली जाती हैं और उन जुबानों की खूबसूरती बहुत 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 ज्यादा है. चाहे पंजाबी है, चाहे उर्दू है, चाहे पश्तो है, बलोची है, दरी है, सराइकी है, मतलब कितनी जुबानें हैं जो कि पाकिस्तान में बोली जाती हैं और शायद लोग अभी भी उन जुबानों को बोलते हुए बहुत बहुत यू नो प्राउड फील करते हों. यह अलग बात है कि पंजाबी बोलते हुए लोगों को पता नहीं
क्या होता है, या उर्दू बोलते हुए लोगों को पता नहीं क्या होता है कि यार पता नहीं पंजाबी बोलेंगे तो हम शायद अनपढ़ दिखेंगे और उर्दू बोलेंगे तो भी हम अनपढ़ दिखेंगे कि हमें तो इंग्लिश आती नहीं है. इंग्लिश बोलना मतलब ठीक है, जरूरी है, आपको वक्त के तकाजों के अकॉर्डिंगली चलना चाहिए, बट जरूरी नहीं कि आप वो भेड़ चाल का हिस्सा रहें, राइट. सो ये चीज थोड़ी सी समझ जानी चाहिए अब, क्योंकि हम लोग अगर अपनी सकाफत या अपनी जुबानों को साथ लेकर नहीं चलेंगे या उनका ख्याल नहीं रखेंगे तो हम बहुत पीछे चले जाएंगे. वैसे तो खैर लोग यही कहते हैं कि हम कहाँ पर आगे हैं पीछे ही हैं. सो ये शायद आजकल के जो सिनेरियो है उसके अकॉर्डिंगली बात होती है, बट ट्रस्ट मी, अगर हम अपने कल्चर, अपनी रिवायात, अपना जो अपनी सकाफत है उसको अगर हम अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करें तो दुनिया इस चीज को एक्नॉलेज करती है और शायद दुनिया इस बात को मानती भी है कि पाकिस्तान का जो कल्चर है वो बहुत खूबसूरत है, बहुत रिच है. लेकिन अलग बात है कि हम इस चीज को नहीं मानते, हम इस चीज को नहीं समझते. सो उम्मीद है कि हमें रियलाइजेशन हो, हम इस चीज को अंडरस्टैंड करें और अपने कल्चर की हिफाजत करें, इसका ख्याल रखें, इसकी खूबसूरती को मेंटेन रखें, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है. All right, welcome back once again. Well, चूंकि आपको मैंने अभी प्रोग्राम के फर्स्ट हाफ में बताया है कि मार्केट्स जो है वो अब 8 बजे बंद करने का फैसला किया है. जो हमारी फेडरल गवर्नमेंट है उसने इस बारे में जो अनाउंसमेंट की है वो बेसिकली इसी वजह से की है ताकि एनर्जी क्राइसिस से बचा जा सके और इस जो करंट सूरत हाल है उसको देखते हुए ये डिसाइड हुआ है. बट ये जो इम्प्लीमेंटेशन है इस चीज की ये होगी 1st of July से. सो अभी जाहिर सी बात है इस मंथ में ईद का भी मामला है, बहुत सारे लोग शॉपिंग भी जाएंगे. अब जाहिर सी बात है कुर्बानी का जानवर भी आप खरीदेंगे तो उसके लिए आपको ज्यादा देर तक मार्केट रहना पड़ेगा. लेकिन द थिंग इज सबसे जो बड़ा मसला है गर्मी में वो ये कि बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं कि गर्मियों में कम अज कम लाइट होनी चाहिए, जो कि अक्सर औकात हम देखते हैं कि नहीं होती. सो इस चीज को बेहतर करने के लिए और सार्फीन की जो एक जरूरत है उसको पूरा करने के लिए कोशिश की जा रही है कि बाजार या जो मार्केट्स हैं उनको रात को जल्दी बंद कर दिया जाए ताकि इस हवाले से बेहतर जो भी मामलात हैं उनको मेक श्योर किया जा सके, राइट. सो ये तो कुछ मेरा ख्याल है कि उन लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है जो इस चीज की हमेशा शिकायत करते हैं, इस चीज को लेके हमेशा कंसर्न रहते हैं और उनको लगता है कि आप मतलब कुछ भी करो यार, कम से कम गर्मियों में इलेक्ट्रिसिटी का इशू नहीं होना चाहिए. सो वफाकी वजीर का ये कहना है कि तवानाई पर हमारे जो सबसे ज्यादा अखराजात आते हैं जिनको काबू करने के लिए इकदाम किए जाने चाहिए, जो कि बहुत जरूरी है. सो इसको कंट्रोल हम कर लेंगे तो बहुत सारे और भी मसाइल हल हो जाएंगे, आई होप सो. अगर ऐसा है तो फिर उम्मीद है कि अच्छी चीजें सामने आएंगी वक्त के साथ साथ. सो फिलहाल अभी लेकर चलूंगी आपको टुवर्ड्स अनदर सॉन्ग, इसके बाद कमर्शियल ब्रेक, देन आपको करेंगे ज्वाइन. Alright, welcome back once again. Well, हम मौसम की बात कर रहे थे कि मौसम प्लेजेंट है और बारिशें हो रही हैं, कहीं कहीं बारिशों का सिलसिला है और कहीं कहीं बिल्कुल भी बारिश का दूर दूर तक कोई इम्कान नहीं है और गर्मी अपनी शिद्दत का एहसास दिला रही है. बट द थिंग इज मानसून की बारिशें कब स्टार्ट होने वाली है. सो मानसून के बारिशों का जो मामला है वो भी इंतजार में है. सो उम्मीद है कि जुलाई के मंथ के स्टार्ट से ही मानसून का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा. महकमा मौसमियात के अकॉर्डिंगली देखा जाए तो ये पेशगोई हुई है कि इस साल मानसून की जो बारिशें हैं वो मामूल के मुताबिक या इससे कुछ कम बारिशें होने का इम्कान है, लेकिन शुमाली इलाका जात में मामूल से ज्यादा बारिशें हो सकती हैं. और जुलाई के मंथ से चूंकि ये स्टार्ट होगा और सेप्टेम्बर तक ये जारी रहेगा और इस दौरान मौसलाधार बारिशों से अर्बन और फ्लैश फ्लडिंग भी हो सकती है. सो लेट्स सी, लास्ट ईयर जो भी तबाहकुन
असरात थे वो हमने देखे हैं और पिछले कई दिहाइयों के जो रिकॉर्ड है वो टूटे हैं. सो उम्मीद है कि इस दफा ऐसा कुछ ना हो. अगर यू नो ये पेशगोई हो रही है तो हम अच्छी उम्मीद अगर रखें तो ज्यादा मेरा ख्याल है कि एक बेहतर अप्रोच होगी. सो जनाब इसी उम्मीद के साथ कि हम दुआगो हैं कि ऐसा कुछ भी ना हो कि जिसकी वजह से लोग सफर करें. और इनफैक्ट लास्ट ईयर के जो असरात है वो स्टिल एग्जिस्ट कर रहे हैं. स्टिल उसमें रिकवरी जो है वो हो रही है. अभी तक यू नो ऐसे इलाके जो सैलाब से मुतासर हुए थे सो वहां पर बहुत सारी अभी भी सहूलतें हैं जो उनको प्रॉपर तरीके से नहीं मिल रही. बट उम्मीद है कि इस साल ऐसा कुछ नहीं होगा. अच्छी उम्मीद इंसान को रखनी चाहिए. सो फिलहाल अब आप सबसे इजाजत चाहिए. अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखिएगा. दुआओं में याद रखिएगा. इंशाल्लाह मिलेंगे कल सुबह 11 बजे. टिल देन टेक केयर. अल्लाह हाफिज. अल्लाह निगेबान एंड खुद दाए पमान. दिस इज मेरा एफएम 107.4.